प्रणाम नमस्कार, मैं अंकित गैरवाल, आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण। एक बार फिर से ढालवाला पे मौजूद हूँ, जिससे पहले भी मैंने आपको एक खबर दिखाई थी किस तरीके से टिहरी के एक युवा 38 साल के, जिनका नाम रणवीर सिंह रावत है, उनकी एक आकस्मिक तरीके से जेल में मृत्यु हो जाती है। उनका पूरा परिवार हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। किस तरीके का पूरा मामला हुआ था, क्या कुछ हुआ था, तमाम जो लोग हैं, महिला शक्ति, मातृ शक्ति, तमाम यहाँ पे मौजूद है। आज सब कोतवाली ऋषिकेश के लिए कूच करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं, न्याय के लिए नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर से एक और परिवार उत्तराखंड का न्याय मांगने के लिए सड़कों पर आ चुका है। और ऐसे कितने और परिवार थे जिनकी श्रेणी में शायद एक बार फिर से रावत परिवार भी आ चुका है। चलिए बात करते हैं इनसे कि इस बार इनका क्या कुछ मुद्दा है, क्या किस तरीके से करने वाले। उनकी धर्मपत्नी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। ये कार्य मैं आपको बता दूं, 25 तारीख को रणवीर की वहां पे आकस्मिक तरीके से मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद से अब तक, यानी कि 8 जुलाई तक, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और आज ही सब लोग इतने गुस्सेल यहाँ पे हो रखे हैं कि आज हमें सिर्फ न्याय चाहिए रणवीर के लिए। आज कहाँ जाने वाले हैं आप? कोतवाली में भैया घेरा करूंगी भैया, तब होगा कुछ। अपने बच्चों के लिए भैया मैंने करना क्या है? मेरा घर नहीं है भैया, बाहर नहीं है, कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है भैया, घर नहीं है, बाहर नहीं। मैं अपने बच्चों नहीं करेंगे मामला कुछ, तो मैं पुलिस थाने में बैठ जाऊंगी, अपने बच्चों चारों बच्चों लेके उधर ही अपने वो कर लूंगी भैया। मेरी यही है। आप अंकिता भंडारी हत्याकांड अभी तक अच्छे से सुलझा ही नहीं था कि एक बार फिर से हमारा पहाड़ का एक और परिवार सड़कों की धूल भापने के लिए, सड़कों में अपने चप्पल घिसने के लिए तैयार हो चुका है। और शायद अभी भी शासन प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है कि क्या ये परिवार कुछ कर सकता है अपने के लिए। घर का मुखिया ही जब घर से चला जाए, जब साया घर से चला जाता है, तो कुछ इस तरीके से ही उनकी बेकदरी होनी शुरू हो जाती है। लड़का है उनका, कितने साल के बच्चे? 15 साल के। क्या करने वाले हो आज? आज हम कोतवाली जाने वाले हैं। जो सचिन सर रुपेश कुमार है, उन्हें वो मतलब वो कराना चाह रहे, घेराव करना चाह रहे, वहाँ पे सस्पेंड कराना चाहिए उन्हें। उन्होंने हमारे साथ बहुत बदतमीजी करी थी जब हम कोतवाली में अपने पापा से मिलने गए थे। उन्होंने हमें बहुत बदतमीजी कहा कि तुम्हें भी जेल में डाल दूंगा। अच्छा। हाँ, और उन्होंने इतना मारा था, उन्हें सिगरेट से उनके हाथ जलाए उन्होंने। और उन्हें ये बोला गया कि तुम बोलो, कबूल करो कि मैंने चोरी करी है गाड़ी। उन्हें मार मार के कहा गया कि तुम चोरी की हाँ बोलो कि मैंने चोरी करी है गाड़ी, ऐसा बोला गया उन्होंने। उन्होंने जब मैं खाना देने गया था, उन्होंने मुझे सब बताया गया था उन्होंने। आज भी वो सचिन सर कह रहा है, आज भी वो इज्जत दे रहा है, मगर क्योंकि वो 15 साल का ही नहीं है, उसको अकल है कि मुझे क्या कुछ करना है। बेचारा आज जाएगा क्या कुछ करके, और ये बता रहे कि हाथ पर सिगरेट के निशान भी उनको देखने को मिले थे। और मैं कैमरा मैन को थोड़ा देख के चलिएगा, क्योंकि पीछे काफी ज्यादा महिला शक्ति यहाँ पे मौजूद है। मैं आज सब लोग यहाँ पे मौजूद है, क्या रणवीर को आज आप न्याय दिला पाएंगे? देखिए, उत्तराखंड में जितने भी अपराध हो रहे हैं, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती थी कि सेवा सुरक्षा न्याय के लिए थी, ये नहीं कि अरेस्टिंग करके और उनको इतना मारो कि जेल जाते ही उनकी मृत्यु हो जाए। आज जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है, आज हम उसे भी लेंगे। और मुखर होके जो परिवार आज सड़कों में दर दर की ठोकरें खा रहा है, परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, बेचारे अपने झाड़ू पोछा करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी, जो इनके घर का मुखिया थे, जो रणवीर रावत थे, जिनकी हत्या पुलिस प्रशासन ने की है, वो अपने घर का पालन पोषण दिहाड़ी मजदूरी करके करते थे। दोनों मियां बीबी जिस प्रकार से अपने 3 बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे, आज पुलिस प्रशासन ने जो जुल्म आया है, सरकार इनकी जिम्मेदार है, इनके बच्चों की जिम्मेदारी लेगी। अथवा या तो फिर जनता सड़कों में रहेगी, या फिर पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से जो भाग रही है, उनको मुखर होके इनका मुकाबला करना चाहिए, इनको सरकारी नौकरी दे, और इनकी माता को भी सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि इनके बच्चों का भरण पोषण अच्छे से हो जाए। पुलिस प्रशासन जिन लोगों ने घर से उठा के विदाउट वर्दी में, जिनका नाम ये ले रहे हैं सचिन और एक दूसरे का नाम ले रहे हैं, उन पे बिल्कुल कार्यवाही होनी चाहिए, और जो ऐसे दोषी पाए जाते हैं उनको सस्पेंड होना चाहिए। हमारी जो मित्र पुलिस, जो सेवा सुरक्षा न्याय के लिए जानी जाती है, मैं बार बार कह रही हूँ कि उस पर प्रश्न चिन्ह न बने, ऐसा एक उपाय कर दो। मुख्यमंत्री धामी सरकार से भी एक ही निवेदन है कि जो समानता का अधिकार की आप बात करते हैं, समानता हमें कहीं दिखाई हुई नहीं दे रही है। आज महिलाएं मुखर होके अपनी बात रखेंगी और पुलिस प्रशासन जवाब देगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो रिपोर्ट है पोस्टमार्टम की, वो हमारे हाथ में जाए, आ जाए,
और यदि उनका वाकई अटैक पड़ा है तो अटैक किन्हीं कारणों से पुलिस प्रशासन के डर की वजह से पड़ा होगा, और यदि उनके चोट लगने से मृत्यु हुई होगी वो भी साफ जाहिर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने, मित्र पुलिस कहा जाता है उत्तराखंड की पुलिस को, और उत्तराखंड की पुलिस जब हम मित्र की जगह शत्रु पुलिस बन चुकी है यहाँ पर, तो क्या कुछ चीजें सामने आती हैं, वो यही चीजें होती है कि जब आम आदमी अपने हक हकूम के लिए जाता है शासन प्रशासन के पास जाता है, और जब शासन प्रशासन ही उसके हक हुकुम को खत्म करता हुआ नजर आता है, तो फिर कुछ ऐसे ही एक बार फिर से उत्तराखंड का एक और परिवार सड़क की धूल नापते भागते हुए नजर आएगा। और आज तक मुझे लगता है ऐसे ही जैसे अंकिता भंडारी का हत्याकांड चल रहा है, लगभग 2.5 साल से ऊपर हो चुके हैं और अभी तक उसके माता पिता धरती धूल नापते हुए नजर आ रहे हैं, वैसे मुझे लगता है रावत का भी ये परिवार जिस तरीके से, क्योंकि शासन प्रशासन नहीं कर पा रहा है कुछ भी, धाकर धामी अपने आप को धाकर धामी जरूर कहते हैं मगर फिर भी अभी तक कुछ भी इन्होंने इस सीट के ऊपर कुछ नहीं कहा है। ये देखिएगा कैसे मातृशक्ति आगे जाएगी, उनके भाई भी साथ में हमारे हैं, उनसे भी बात करेंगे क्या कुछ मामला है, क्या चीजें चल रही है। सर इससे पहले भी आपने देहरादून गए थे, देहरादून में भी आपने तमाम बातें आपने रखी थी, पोस्टमार्टम करवाने के लिए भी आपने कुछ दिन रुकवाने की कोशिश करी थी, आपके सामने हो, अब पोस्टमार्टम भी हो चुका है, दिन भी 13 दिन पूरे हो चुके हैं, इस दौरान भी अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई, तो अब क्या करने वाले हैं आप ऐसे लेके जाने के? हमारी उत्तराखंड सरकार से एक ही मांग है कि इन दोनों पुलिस वालों को, सचिन सैनी रुपेश कुमार को अरेस्ट करें, इनके ऊपर जो है हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और इन बच्चों का भविष्य क्या आगे ये हमें सरकार को दे, किन बच्चों का भविष्य आगे किस तरह कटेगा, छोटे छोटे 3 बच्चे, इन बच्चों की भरपाई किस तरह होगी, क्योंकि जब परिवार का मुखिया चला गया है तो बच्चे किस तरह अपना पालन पोषण करेंगे, बच्चों का क्या होगा आगे का भविष्य। सर आपने ये भी बताया था अभी, उनका बेटा भी कह रहा था कि मेरे पिताजी को टॉर्चर किया जा रहा था, बीड़ी जलाई जा रही थी, सिगरेट जलाई जा रही थी उनके हाथ में, क्योंकि रणबीर सिंह को बहुत बुरी बेरहमी से पीटा गया है, उसके हाथ में मेरे पास उसकी फोटो भी है, वीडियोस भी है, ताकि उसका हाथ सिगरेट जला रखा है। रणबीर सिंह को ये बोला गया है सचिन सैनी और रूपेश कुमार द्वारा कि अगर तुम ये कबूल नहीं करते कि मैंने स्कूटी चोरी की तो तुम्हें हॉर मारेंगे। ये रणबीर सिंह ने खुद के बयान है, जो उसने अपने बच्चे को अपनी वाइफ को बयान दिए हैं कि यहाँ से मुझे ले चलो नहीं तो लोग मुझे बहुत मारेंगे, और उन्हें लास्ट में मारे उसको, और जब देहरादून जेल में रखा तो वहाँ उसको नींद की गोली दे रहे थे, क्योंकि दर्द के मारे रो रहा था, उसको नींद की गोली दी जा रही थी वहाँ पे। तो अगर हमारी पुलिस अगर इस तरह करती है तो हर घर से वो एक एक करके मारते हैं। दूसरी बात मेरे को लगता है, मतलब ये मेरे पर्सनल बयान मेरे हैं कि अंकिता हत्याकांड में भी रुपेश कुमार और सचिन सैनी का हाथ हो सकता है, ये लोग पैसे देकर कुछ भी कर सकते हैं, पैसे के बम जमे किसी को मार सकते हैं, क्योंकि अंकिता हत्याकांड भी लोगों ने करवाया होगा दोनों पुलिस वालों ने, क्योंकि ये लोग इनको आदत पड़ी है मारने की, किस तरह हम किसको मारेंगे, पैसे दे के इन्होंने रणबीर सिंह को तो मारे, लेकिन अंकिता हत्याकांड भी इन दोनों का नाम जरूर होगा, इन दोनों का। सर आपने साथ ही साथ अभी ये चीज भी चल रही थी कि स्कूटी चोरी करी है उन्होंने, अब स्कूटी चोरी करने का मामला आप देखिएगा, थाने में स्कूटी जाती है, स्कूटी पे नंबर प्लेट नहीं होती है, पर जब हमने नंबर एफआईआर की फोटो निकाली है उस फोटो में साफ साफ लिखा गया है कि स्कूटी एक कमर्शियल व्हीकल था जो कि किसी एक पांडे द्वारा परिवार द्वारा चलाया जा रहा था, उन्होंने खड़ी करी स्कूटी और वो अचानक स्कूटी चोरी हो जाती है। अब ये सोचे कि 14 तारीख को स्कूटी चोरी हुई है और 22 तारीख तक उनके रणवीर और साथ में उनका बेटा दोनों स्कूटी चला रहे हैं, तो ये किस तरीके की चोरी थी जिसमें कि लगातार आज शहर में शहर अपनी उस चोरी की स्कूटी को लगातार भगाते हुए नजर आ रहे थे, और या फिर ये वो चोरी थी जो कि सबको पता था कि भाई हाँ इसने यहाँ से चोरी करी है और मैं डरता नहीं हूँ किसी चीज से, तो सर इस बारे में क्या कहेंगे, स्कूटी चालक आ चुका है क्या? स्कूटी चालक को सचिन सैनी ऐसा बोलता है कि तो सामने लाके क्या फायदा है, अगर उसने चोरी की तो उसके पास हेलमेट कहाँ से आया, चाबी कहाँ से आई है, ये साजिश के तौर पर उसको फंसाया गया है, क्योंकि जो इंसान चोरी करता है वो यदि गाड़ी का लॉक तोड़ेगा तो चोरी करेगा, मार्केट में गाड़ी को कहीं बाहर नहीं घुमाएगा, ये गाड़ी रोज मार्केट में जा रही थी, 15 तारीख 16 तारीख सब्जियां लाई उन लोगों ने, उसका बच्चा लेके जा रहा था, इस तरह की घटना अगर ये हो रही थी इसमें कोई साजिश है, इसमें साजिश? हाँ जी, मैं तो खुला बोलता हूँ कि इसमें सचिन सैनी और रुपेश कुमार ने पैसा खा के ही मेरे भाई को मरवाया है। तो रणवीर ने आपको ये नहीं बताया कि स्कूटी चोरी की है या फिर क्या है, क्योंकि इस तरीके की जब रात को 14 रात को रणवीर घर पे आता है, उसकी वाइफ पूछती है गाड़ी किसके, रणवीर सिंह ये बोलता है कि मेरे दोस्त की गाड़ी है, वो बस अड्डे के नजदीक रहता है और उसने मुझे गाड़ी दी कि आप एक काम करो कि एक हेलमेट संभालना, चाबी संभालना कि बच्चे तोड़े ना, और अगर आदमी चोरी करेगा तो इस तरह की हेलमेट और चाबी घर में संभालने लिए क्यों देगा, तो ये तो पूरी साजिश है इसकी तरफ, इसमें पूरी साजिश आपको लग रही है। चलिए रणवीर ने कौन से अपने उन दोस्त से, क्या पहले भी लेके आए रणवीर उस स्कूटी को, भाई कभी पापा लेके आए उस स्कूटी को घर? पहले भी लेके आए थे बिना नंबर प्लेट की? नहीं, पहले नंबर प्लेट की नहीं, दोस्तों के लेके आते थे वही गाड़ी।
नहीं वही गाड़ी नहीं, पर ले अपने दोस्तों के लेके आते थे वो वाली गाड़ी नहीं लाई। अच्छा वाली गाड़ी नहीं लाते थे, वो पहली बार देखी आपने? पहली बार देखी थी। बिना नंबर प्लेट की स्कूटी चोरी होती है, जो चोर जिसकी स्कूटी है वो गायब हो रखा है, उसका ये नहीं पता कि वो कहाँ है। जब परिवार वाले पूछते हैं कि वो स्कूटी जो चालक है वो कहाँ है, तो उसको बोलते हैं कि उसका क्या करोगे तुम, क्योंकि रणवीर तो हमारे कब्जे में, क्योंकि उसी ने चोरी करी है। पुलिस वालों का कहना ये है, सिविल ड्रेस में आते हैं, सिविल ड्रेस में घर में जबरन रणवीर को उठा लिया जाता है। 14 तारीख से 22 तारीख यानी कि लगभग 8 दिन तक जो रणवीर है उसका बेटे, वो लगातार इसी रोड पर स्कूटी दौड़ाते हुए मार्केट जाते हैं। क्या तब याद नहीं आई थी उसको कि मेरी स्कूटी चोरी हो चुकी है, जिसकी वो स्कूटी थी कमर्शियल व्हीकल के नाम पर वो स्कूटी चलाई जा रही थी, और आज जो व्यक्ति है वही गायब हो रखा है। तो क्या कुछ यहाँ पे उत्तराखंड में हो रहा है, क्या सारी चीजें हो रही है, बने रहिएगा लोकार्पण के साथ, क्योंकि अब ये लोग ऋषिकेश कोतवाली जा रहे हैं, वहीं से आपको लाइव प्रसारण दिखाऊंगा क्या कुछ वहाँ पे होने वाला है। तब तक के लिए बने रहिएगा, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आज ये जो रणवीर का परिवार है इसे न्याय मिल सके। बहुत